आज की वीडियो में हम स्पोर्ट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग आप लोगों को कैसे करनी है इसकी हम बात करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। क्योंकि देखो स्पोर्ट राउंड 2 की वैकेंसी अभी नहीं आई है, अगर आती है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के आप लोगों को थोड़ा अच्छे से और गाइड कर दूं। ठीक है, स्पोर्ट राउंड 2 के बाद और कोई राउंड नहीं होगा। अगर आपकी वैकेंसी बचती है तो एक स्पेशल स्पोर्ट राउंड होता है जो कि लास्ट होता है आपका। ठीक है, वरना ऐसे राउंड चलते रहेंगे तो उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, उसके बावजूद भी जो सीटें बचती हैं वो फिर पीछे के रास्ते से बिक जाती हैं। ठीक है, जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट राउंड 2 होगा, ये लास्ट राउंड है, इसके बाद एक स्पेशल स्पोर्ट राउंड हो सकता है और वो ऑफलाइन हो सकता है। बाकी आईपीयू का कुछ नहीं पता है, कभी भी कुछ भी कर देता है। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा ग्रुप में, टेलीग्राम पे, और यहाँ पे चैनल के ऊपर भी आप एक्टिव रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि स्पोर्ट राउंड 2, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सारे के सारा शेड्यूल क्या है उसका, ऑल इंडिया कोटा लगेगा नहीं लगेगा। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन और आई कार्ड पर डाल दूंगा, आप जाके जरूर से देख सकते हो। अब बात आती है चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग जो है आप लोगों को उस हिसाब से करनी है कि आपको नहीं पता है स्पोर्ट राउंड 1 की कट ऑफ क्या है, आपको नहीं पता है स्पोर्ट राउंड 2 की वैकेंसी सीट्स क्या है। जरूरी नहीं है कि जो स्पोर्ट राउंड 1 में जिन कॉलेजों में सीट्स थी उन्हीं कॉलेजों में सीट्स होंगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो पुराने कॉलेज में सीट बची नहीं थी उन कॉलेज में वापिस से सीट आ गई हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे डेली बेसिस पे विड्रॉ कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे डेली बेसिस पे एडमिशन कैंसिल करवा के कॉलेज में आ रहे हैं बकायदा। क्योंकि यूजीसी का नोटिस है 30 सितंबर से पहले एडमिशन कैंसिल करेंगे तो पूरा पैसा आपको कॉलेज देगा, आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से अलग अलग कॉलेजेस में बच्चे ट्राई कर रहे हैं और डेली बेसिस पे सीटें खाली भी हो रही हैं। तो इस हिसाब से आपको सारे आईपीयू में जितने भी कॉलेजेस हैं सबको स्पोर्ट राउंड 2 की चॉइस फिलिंग में भरना है। पर आपको ऐसे नहीं करना है कि आपने बिना देखे बिना समझे सारी की सारी ब्रांचेस भर दी हैं। आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि ऑल इंडिया कोटा लग रहा है, आप अगर दिल्ली रीजन से हो तो आपको अभी तक का सबसे बेस्ट कॉलेज मिला हुआ है आपकी रैंक के हिसाब से। क्योंकि अब ऑल इंडिया कोटा लगेगा तो आउटसाइड दिल्ली वाले जिन बच्चों को उनकी रैंक के हिसाब से कॉलेज नहीं मिल पाया था, मेरिट के हिसाब से नहीं मिल पाया था, उनको पहले अब कॉलेज मिलेगा। आप ये मान के चलो कि 1 लाख जिसकी रैंक थी दिल्ली वाले की, वो अभी अग्रसेन में बैठा है या सूरजमल में बैठा है, और वही 1 लाख रैंक में आउटसाइड दिल्ली वाला बच्चा अभी लोअर कॉलेज में बैठा है, अखिलेश दास में, GTVIT में या फिर किसी और कॉलेज में बैठा है, तो उसको अब यहाँ पर अग्रसेन और सूरजमल में आने का मौका मिलेगा। और जो आप लोग हैं, आप लोगों को मौका तब मिलेगा जब आपकी रैंक इन आउटसाइड दिल्ली स्टूडेंट से ज्यादा रैंक होगी, तो आपको मौका पहले दिया जाएगा। तो चांसेस सबसे ज्यादा आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के अपग्रेड होने के हैं। तो आउटसाइड दिल्ली वाले स्टूडेंट जो इस वीडियो को देखने हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉप कॉलेजेस को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखें। जो कॉलेज आप लोग चाहते हो, आपने देखा होगा कि आपकी रैंक पर जो स्लाइडिंग राउंड तक दिल्ली वाले बच्चों को कॉलेज मिले हैं, आप वो कॉलेज को ऊपर रखो। ठीक है, आप पुरानी कट ऑफ देखो, राउंड 3 की कट ऑफ देखो आईपीयू की, कहा गया राउंड 3 की जो कट ऑफ गई है आईपीयू की दिल्ली रीजन की, आप उस कट ऑफ के हिसाब से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। लेकिन जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ऑलरेडी अपनी बेस्ट सीट मिल चुकी है, आपके कम चांसेस है सीट अपग्रेड होने के। ओनली उन्हीं के चांसेस हैं जिनको पहले कोई कॉलेज नहीं मिला है या कॉलेज मिल गया था वो रिपोर्टिंग नहीं कर पाए थे, उनको चांसेस है यहाँ पर। तो उनको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो जैसे मैंने पुरानी वाली वीडियोस में बताई थी वैसे करनी है। आई कार्ड पे मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाके जरूर से देखना उस वीडियो को, मैंने चॉइस फिलिंग की अच्छी जानकारी दी थी। और जो भी वीडियोस की मैं बात कर रहा हूँ वो मैं टेलीग्राम पर सारी शेयर कर दूंगा जो अभी के टाइम पे आपको जरूरत है, ताकि आपको वो ढूंढनी ना पड़े। ठीक है, पिंड कमेंट भी चेक कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो आउटसाइड दिल्ली वालों को जैसे मैंने बताया कि वो कॉलेज भरने हैं जो उनकी कट ऑफ से मैच हो रहे हैं, जो कट ऑफ 3 में आ रहे हैं, और लास्ट में आप बैकअप के लिए अगर आप चाहते हो, आपको ड्रॉप नहीं करना है, तो बाकी कॉलेजेस भी फिल आउट कर सकते हो। लेकिन दिल्ली वालों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको बेस्ट कॉलेज मिला हुआ है, इसके बाद अपग्रेड होने के चांस ना के बराबर हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर चॉइस फिलिंग कैसे भी कर सकते हो, बट आपको भी यही कोशिश करनी है कि आपको जो कॉलेज मिला है उससे ऊपर के कॉलेज भरने हैं, उससे नीचे के भरोगे तो कोई फायदा नहीं है, बेमतलब की मेहनत होगी आप लोगों की। तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर के कुछ सिलेक्टेड कॉलेज और सिलेक्टेड ब्रांच ही आपको भरनी है, बट आउटसाइड वालों को मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करनी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉलेज भरने हैं। और अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है तो आपको लोअर कॉलेज, जिम्स, HMR, DTC, सोनीपत साइड के कॉलेज, GNIOT, ये सब भी आपको भर लेने हैं। क्योंकि यहाँ पे एट दी एंड ये मैटर करता है कि आपको एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, आपने ऑलरेडी ड्रॉप ले लिया, आप दोबारा नहीं लेना चाहते हो, वैसे भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से पूछते हैं कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए, तो आप लोग एटलीस्ट एक लोअर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, उसके बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेज में ट्राई कर सकते हो।
30 सितंबर से पहले अगर आपका दूसरे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आप लोग फिर रिफंड भी ले सकते हो। तो आपको एक सेफ्टी रहेगी कि हम एक कॉलेज में बैठे हैं, आपको एक टेंशन नहीं रहेगी, आपके पेरेंट्स को भी वो टेंशन नहीं रहेगी। तो उस चीज के हिसाब से आप सोचो, जो चीजें हैं रूल्स हैं उस हिसाब से आप सोचो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाता है वीडियो का और वो टाइमली वीडियो को देख पाते हैं। आपके पास अगर लेट वीडियो आएगी, और हो सकता है आईपीओ की डेडलाइन आपको पता है कभी भी कुछ भी हो जाती है, तो दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम पे रहिएगा, ज्वाइन रहिएगा। तो कई बार आपको ये होता है कि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, कुछ ग्लिच आ गया यूट्यूब में, तो टेलीग्राम पे मैं हाथों हाथ लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो डलते ही, तो ये सब से आप जुड़े रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी आपको कोई जरूरत होगी तो वहां पे मैं शेयर कर दूंगा, डाउट्स वगैरह भी सॉल्व करता रहूंगा। कोई और डाउट है आप कमेंट भी कर सकते हो यहाँ पर, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आप चाहते हो वन ऑन वन मेरे से पर्सनली बैठ के आपको सॉल्व करनी है चीजें, वन ऑन वन काउंसलिंग करनी है आपको, तो वो बहुत ही कम रेट में, मिनिमम रेट में आप यहाँ पे कर सकते हो। आधे से पौने घंटा आप मेरे साथ वन ऑन वन मीट पे बैठ के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी मैं प्लान कर रहा हूँ जैसे ही एक यहाँ पर स्पोर्ट राउंड टू का मैं चॉइस फिलिंग के पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ एक मैं यहाँ पर वेबिनार रखूँ जहाँ पे आप सभी के डाउट्स क्लियर करूँ, तो उसका लिंक भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे मैं फ्री में वन ऑन वन उनके डाउट सॉल्व करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स उसमें आते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, जैसे मैंने बताया बाकी जो वीडियोस हैं उनका जो लिंक है वो मैं ऑलरेडी आई कार्ड से और पिन्ड कमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो सारी वीडियोस आपको देखनी है जिसमें रिपोर्टिंग वाली वीडियो है, एक चॉइस फिलिंग वाली वीडियो है और एक आपकी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वाली वीडियो है, वो सारी आपको देखनी है और उस हिसाब से एक्शंस आगे लेने हैं, ठीक है। कई स्टूडेंट्स के पोर्टल पे अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स के में आ रहा है, तो ये सर्वर की प्रॉब्लम हर बार रहती है आईपीओ की। अगर आपके में नहीं आ रहा है आप एक बार आईपीओ की हेल्पलाइन पे ट्राई कीजिएगा, बाकी बच्चों से जो टेलीग्राम पे कनेक्टेड है वहां पे आप पूछिए कि आपके में ऑप्शन आ रहा है। अगर बाकियों में आ रहा है आपके में नहीं आ रहा है तो आपको आईपीओ से कॉन्टेक्ट करना होगा। अगर सबके में नहीं आ रहा है तो वो ऑलरेडी वर्किंग होगा, सर्वर वर्वर में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर डेट दोबारा से एक्सटेंड हो जाएगी जैसे कि हर बार आईपीओ में होता है। तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप कनेक्टेड रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट सारी मिलती रहे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।